नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्माहर्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पुरुषों की दो समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं और ये समस्या से ज्यादा तो मिथ है, तो ये हम लोग देखेंगे ये प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं और इसका प्लेसिबो ट्रीटमेंट पेशेंट को क्या दिया जाता है। दोस्तों, इन दोनों समस्याओं के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो पहली समस्या है, जो पुरुषों की समस्या गिनी जाती है, वो है नॉक्टुरल एमिशन और दूसरी होती है धातु का गिरना यानी लूजिंग धातु। तो ये दोनों समस्या, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ये समस्या क्या होती है और कब ये समस्या कारण बनती है, मतलब कब ये समस्या होती है एक्चुअली और कब नहीं होती है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करें नॉक्टुरल इमिशन के बारे में, तो दोस्तों नॉक्टुरल इमिशन को हम लोग बोलते हैं बेड ड्रीम्स, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली स्वप्न दोष, और स्वप्न दोष जो होता है उसको हम लोग नाइट फॉल कहते हैं। और मेरे हिसाब से अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्या है इसमें होता क्या है कि सेक्सुअल टेंशन की वजह से आपकी मसल्स स्क्वीज करती हैं, जिसकी वजह से रात को सोते समय पेनिल इजेकुलेशन हो जाता है और ये कंडीशन कहलाती है स्वप्न दोष या नाइट फॉल। और ये जो कंडीशन होती है ये एक नॉर्मल सी कंडीशन है, ये तभी होता है जब आपको सेक्सुअल टेंशन होता है। अब मान लीजिए कि अब अगर ये स्वप्न दोष की समस्या रोज़ रोज़ आ रही, नाइट फॉल की समस्या रोज़ रोज़ आ रही है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये कभी कभी हो रही है तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो वो कुछ प्लेसिबो ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर आप बात करें तो आपको करना क्या है, अगर मान लीजिए कि अगर आपको नाइटफॉल की समस्या आ रही है तो आपको क्या क्या करना है, तो आपको दो चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक तो एक आपको प्लेसिबो ट्रीटमेंट के लिए एक मेडिसिन दी जाती है, साथ में और क्या दिया जाता है, कहा जाता है कि आपको रात को सोते समय पानी कम पीना है। इससे क्या होगा कि पानी आप कम पियेंगे तो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें पानी कम रहेगा, यानी यूरिन कम बनेगा, जिसकी वजह से आपको जो टेंशन होता है, मतलब आपको सीमेन की जो ग्लैंड्स होती हैं उसके चारों तरफ, वहाँ पे उतना टेंशन नहीं होगा, जिसकी वजह से स्वप्न दोष की समस्या नहीं आएगी। साथ में आप एक मेडिसिन भी देते हैं और वो मेडिसिन होती है दोस्तों एक माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर, जो कि होता है लोराजिपाम। तो लोराजिपाम की एक टैबलेट पेशेंट को दी जाती है, एक या दो mg की टैबलेट होती है, ये दी जाती है रात को सोते टाइम, उसको लेना होता है जब वो सोने जाता है। तो इसका काम ये होता है कि आपकी मसल्स को ये स्थिर कर देती है, यानी कि मसल्स को रिलैक्स कर देती है, जिसकी वजह से जो पेनिल टेंशन होता है वो भी कम हो जाता है और फिर ये जो समस्या आती है वो नहीं आती है। तो कुल मिला के इसमें ज़्यादातर मिथ फैला हुआ है, आपको ऐसे कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है अगर आपको नाइट फॉल होता है तो। हाँ, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए समस्या का रीज़न बन सकता है। अब अगर हम बात करें दूसरी समस्या के बारे में दोस्तों, तो दूसरी समस्या यहाँ पे आती है पासेज ऑफ सीमेन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं धातु गिरना। अब ये प्रॉब्लम क्या होती है और क्या एक्चुअली में इसमें सीमेन आता है या वीर्य आता है, तो कई बार पेशाब करते समय, यानी कई बार जब हम यूरिनेशन करते हैं तो उस टाइम पे यूरिन के साथ में वीर्य यानी सीमेन आता है और हल्का सा बूंद सा आता है, ठीक है। तो ये कंडीशन कहलाती है धातु का गिरना, पर आपको बता दें कि वो एक्चुअली सीमेन नहीं होता है। वो क्या होता है कि जब यूरिनेशन करता है, मतलब यूरिनेशन होता है, तो हमारी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और जो हमारी यूरेथ्रल दूसरी यूरिनरी ग्लैंड्स होती हैं उसमें स्क्वीज होता है, यानी उसमें सिकुड़न आती है और फिर उसका जो मटेरियल होता है यानी प्रोस्टेट ग्लैंड का, वो मटेरियल बाहर आता है यूरिन के साथ में और वो अकेला सीमन नहीं होता है, सीमन कई चीज़ें मिलकर के बनती हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली वही पदार्थ होता है और इसी को हम लोग कहते हैं धातु गिरना, और इसमें कई बार आदमी कॉन्फिडेंस खो देता है और फिर बड़ी समस्या हो जाती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन है, कभी कभी होती है। अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो फिर से वही बात, आप अपने अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर से मिलिए और उनसे अपना ट्रीटमेंट करवाइए, बात करिए। बाकी नॉर्मल कंडीशन में अगर पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो कुछ प्लेसिबो ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कुछ झूठी दवा देते हैं जिससे पेशेंट को कॉन्फिडेंस आता है। वो कौन कौन सी होती हैं, वो केवल ताकत की मेडिसिन होती हैं, जिसमें पहली आपको दी जाती है कोई भी मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जो आपको IM दिया जाता है और करीब 4 से 5 इंजेक्शन आपको दिया जाता है और अल्टरनेट डेज पे ये लगाया जाता है, कोई भी मतलब मल्टीविटामिन का इंजेक्शन आपको दिया जाता है।
इसके साथ में आपको स्पेमैन या फिर कोई भी जो ताकत की मेडिसिन होती है, खास करके हिमालय की स्पेमैन आती है, जो आपको करीब 2 महीने तक या 1 महीने तक लेने की सलाह दी जाती है। इसे सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम एक एक गोली लेने की सलाह दी जाती है। इससे क्या होता है कि आपको एक तो आत्मविश्वास आता है, दूसरा आपके बॉडी की जो कमजोरी होती है वो सब दूर होती है और आपको ताकत मिलती है। तो दोस्तों ये था, मतलब ये ऐसे 2 समस्याएँ जो सच्चाई से ज़्यादा जिसमें मिथ छुपा हुआ है और कि आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो आपको समस्या तो आएगी ही, लेकिन हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा वो केवल कुछ लोगों में बीमारी होती है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की डिटेल में इन 2 समस्याओं के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। इसी तरह की जानकारी के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारा हेल्थ मुखिया चैनल जरूर देखिए। हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।